अब जल्दी से ना सब मुझे ये बताओ कि किस किसने आलू लबाबदार खाया है। आई एम श्योर बहुत से लोगों ने खाया होगा, क्योंकि पनीर लबाबदार तो मोस्टली लोगों ने खाया ही है, बट आलू लबाबदार नहीं खाया है। अब जिसने नहीं खाया है वो सीख ले, और जिसने खाया है वो ये देख ले कि इसमें स्पेशल क्या है। करना क्या है, आलू टमाटर प्याज शिमला मिर्च हरी मिर्च इन सबको फाइनली नहीं, थोड़ा सा कोर्सली काट लेना है, मतलब मोटा मोटा काट लेना है। कढ़ाई में थोड़ा तेल लेना है, सरसों का ज़्यादा नहीं लेना है, हम रिफाइंड यूज़ कम करते हैं। आलू डाल देने हैं, थोड़ा नमक डाल देना है, शैलो फ्राई कर लेना है। शैलो फ्राई मीन्स मतलब ना भुजा पके ना भुजा कच्चे, ऐसा मतलब ऐसे कि फूट जाने चाहिए अंगूठे से, पर ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल गीले हो जाए। फिर उनको निकाल लेना है, फिर एक कढ़ाई में दोबारा लेना है। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा जीरा डालना है, थोड़ा सा नमक और डालना है, फिर खड़े मसाले डालने हैं, थोड़ी हींग डालनी है, ठीक है। और फिर हमें डालना है इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ा सा जो बाकी मसाले लिए हैं ना हमने, मसाले नहीं जो हमने बाकी सब्जी ली है वो सब्जी लेनी है, वो सब्जी हमें फ्राई कर देनी है, अच्छे से फ्राई करनी है, ताकि प्याज वगैरह कच्ची ना रहे, क्योंकि हम इसमें शिमला मिर्च भी फ्राई करेंगे, अच्छे से शिमला मिर्च फ्राई कर देंगे। और जब थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी, और हाँ हम डालेंगे धनिया वो भी भर कर एक चम्मच, क्योंकि गरम मसाला यूज़ नहीं करते हैं हम, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे। गर्म मसाला वैसे खाना भी नहीं चाहिए, नुकसान देता है हेल्थ को। और फिर हमें क्या करना है, इसे पीस लेना है। इसे पीसने के बाद हमें क्या करना है, उसी कढ़ाई में थोड़ा तेल और लेना है, उस तेल में थोड़ा सा जीरा डालना है, थोड़ी लाल मिर्च डालनी है, थोड़ी हल्दी डालनी है, और हल्का सा नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाहो तो थोड़ी कसूरी मेथी भी डाल देना, हमने नहीं डाली है तो फिर, और जो हमने बैटर बनाया था वो डाल देना है, और एक उफान आने तक, ओ सॉरी उससे पहले थोड़ा दूध डाल देना है, भूल गई बताना। और फिर एक उफान आने तक उसको पकाना है, जब वो पक जाए उसके अंदर हमें थोड़ी शिमला मिर्च जो हमने अपनी की थी वो डाल देनी है, और फिर जो आलू हमने अपने फ्राई किए थे वो डाल देने हैं। इनको 5 से 10 मिनट के लिए और पकाना है, और बन गए हमारे आलू लबाबदार।